Hello, my dear friends. Welcome once again to the International Fab Talks. My dear friends, it's a beautiful journey. You ask me what? Life. Life is a beautiful journey, meeting new people, networking, and of course, sharing love and creating peace across the world. Getting to know people, getting to know the common man is one of the greatest gifts, you know, that I have with me today on the International Fab Talks. And of course, today, friends, we are going to bond. We are going to gel with a young lady. All the way, she is from Haryana. Mrs. Monu Malik, a wonderful counseling psychologist, a great human being, a social activist, a coach, a trainer, a person who wants to do something for the society at this young age. She wants to create awareness with regard to mental health, emotional well-being, and she wants to bring a balance in the society. She is here to create a beautiful world for you, my dear friends. Aapke liye bhi aur hamare liye bhi. चलिए हम अभी हमारे गेस्ट से आपका यू नो विल मीट यू मेक यू मीट आवर गेस्ट एंड शी इज नन अदर देन मिसेस मोनू मलिक. धन्यवाद मैम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर सेशन. थैंक यू. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मंच दिया बोलने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और मेरा नाम है मोनू, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ जो कि हरियाणा में रोहतक में जागरा डायग्नोस्टिक सेंटर में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के साथ मिलके. तो हमारी फाउंडेशन का मोटिव ये है कि हम लोगों को जितना हो सके मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करें, क्योंकि लोग मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है. उन्हें नहीं पता कि मेंटल हेल्थ होती क्या है. अगर उनको पता भी होता है तो वो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जो आगे जाके मतलब हर एक इंसान के लिए, हमारे समाज के लिए एक खतरनाक चीज बनती जा रही है. लोग उदास रहते हैं तो वो मानते नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि अगर वो किसी को बताए कि भाई मैं उदास रह रहा हूँ, मेरी कुछ परेशानी है, तो लोग उसे समझते नहीं है. वो मानते नहीं कि मेंटल हेल्थ कुछ होता है. नहीं, कुछ नहीं होता. उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये ज्यादा सीरियस नहीं है. तो फिजिकल हेल्थ को ज्यादा सीरियस मानते हैं. फिजिकल हेल्थ ज्यादा सीरियस होती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उसके सेम ही है. तो हमारा काम होता है कि हम मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करें. हम वेबिनार के जरिए, सेमिनार के जरिए भी लोगों को अवेयर करते हैं पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के जरिए. जी मैम. वेरी नाइस, थैंक यू मैम. तो आप बहुत खूब अपने आप को एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, क्या करना चाहेंगे. क्योंकि आजकल के लोग जो है ना, तो दे डोंट वांट सामने आके प्रकट, दे डोंट वांट टू शेयर मन में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो शर्माते हैं कि भाई आगे आके किसी को बताए. तो हम लोग सब, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. तो आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस. बहुत कम लोग जो ऐसे हैं जो यू नो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्यादा फिजिकल हेल्थ को देते हैं. बट इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव यू नो द राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, आई मीन आई वुड लाइक टू से द राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू यू नो क्रिएट मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस टू अक्रॉस द ग्लोब. सो मैम इज ट्राइंग हर बेस्ट टू डू हर बेस्ट. शी हैज एक्सप्लेन वेरी वेल ऑन हाउ शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. My dear friends, let's get to know more about her. She has a lot to share. Yes, my dear friends. My dear friends, we have this young counseling psychologist, Mrs. Monu Malik, who would love to share her world with us. We'll get to know more. Dear ma'am, Monu Malik kaun hai? Wo kaise is field mein aayi hai, psychology field mein? Bata sakte hain aap? जी मैम, मेरे को बातें करना ज्यादा पसंद है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स देखती हूँ. क्योंकि मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम्स तो सामने से दिख जाती है, अगर बुखार हो जाता है या फिर चोट लग गई या फिर ऐसा कुछ होता है, हड्डी टूट गई है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. तो मेरे को कम्युनिकेट करना ज्यादा अच्छा लगता है. मतलब जो उनके अंदर की प्रॉब्लम्स है ना, वो शेयर नहीं कर पाते लोग, तो उनकी बातों के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगा जाए. उनसे बातें करना पसंद है कि वो क्या अंदर से क्या फील कर रहे हैं, ये चीज बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोलते कुछ है, वो स्माइल फेस दिखा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, लेकिन वो हंस नहीं रहे, वो अंदर से बहुत उदास है. उनके अंदर कितनी मतलब उधेड़बुन चल रही है, ये किसी को नहीं पता होता. और लोग शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोग मतलब सुनना किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ बोलना पसंद है. हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं एक अपना इंसिडेंट बता रही हूँ, तो सडनली आपको एक और इंसिडेंट याद आ जाएगा उससे रिलेटेड. तो आपका मतलब फोकस क्या होगा कि आप मेरी बात को कट करके अपना वो इंसिडेंट बताओ. मतलब अगला जो बोल रहा है उसको सुनने का मतलब किसी को नहीं होता कि नहीं, हमें अपनी बात बतानी है, अपनी चीज बस दूसरों तक पहुंच जाए, बस यही रहता है.
तो हम लिसनिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लिसनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लोग क्या सोच रहे हैं उनकी बातें जानना बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंस लेवल बनाते हुए हमें दूसरों की बातें सुननी पसंद होती है, मतलब कि वो क्या सोच रहे क्या नहीं, तो मुझे इसलिए मेरा फोकस इस फील्ड पे था, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। वेरी नाइस मैम, लिसनिंग, किसी के बातें यस सुनना, उनके मन के बातें सुनना, कभी कभी उन्हें उन लोग कुछ बोलते भी नहीं फिर भी सुन सकते, हम लोग महसूस कर सकते कि भाई उनके मन में क्या है, यू नो दैट इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। कभी कभी जब बातें करते तो टोकना बीच में, वो कभी नहीं करना, जस्ट बी अ गुड लिसनर। तो वेरी नाइस, तो आप जो है एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रहकर ये बात बहुत अच्छी आपने बताई कि भाई सुनना है पहला, तभी आकर अपना क्लाइंट्स अब ओपन करते हैं एंड शेयर मोर। दैट्स रियली वेरी नाइस मैम, सुपर। डियर मैम, आपने एक अच्छी बात कहा यहाँ पर कि भाई ऊपर स्माइल करते हैं लेकिन अंदर तकलीफ यू नो छिपा रहता है, लेकिन ऊपर मुस्कुराते हैं, ये तो सच है, बहुत सच। मेनी पीपल स्माइल आउट, दे लाफ, बट डीप विद इन दे आर हर्ट, दे आर अनेबल टू शेयर देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स एट दैट टाइम। यू नो व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग टू पुट अप अ स्माइल, यू शुड मीट अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एंड ऑफ कोर्स मोनू मलिक इज वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन हर एरिया एंड जोन। माई डियर फ्रेंड्स, यू कुड कनेक्ट विद हर, शी इज रियली अ ब्यूटिफुल पर्सन हु इज ऑल आउट देयर टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एज वेल एज लिसन टू यू इन द राइट वे एंड गिव यू नो दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वेर यू वुड रियली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिकम द बेस्ट पर्सन। डियर मैम, आप इस फील्ड में रह चुके हैं तो स्ट्रेस लेवल्स तो होती हैं, पेशेंट्स का स्ट्रेस, आई मीन क्लाइंट्स का स्ट्रेस देख चुके हैं, तो आप डी स्ट्रेस मेथड्स कुछ बताएंगे हमें कि भाई कैसे डी स्ट्रेस करें अपने आप को? 3 और 4 मेथड्स कुड यू शेयर मैम? जी, स्ट्रेस मतलब कि अब आजकल तो सब कोई स्ट्रेस, और स्ट्रेस होना भी जरूरी है, ये नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है और हमें उस चीज की सोच ही नहीं है कि हम उसको ऐसे ही हल्के में ले रखा है, तो स्ट्रेस तो होता है कि हाँ हमें ये काम मिला हुआ है, हमारे पास ये क्लाइंट आया है और हमारी उसकी मतलब पूरी ड्यूटी होती है, अगर हम स्ट्रेस नहीं रखेंगे तो हम उसको अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, तो स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ा लेना कि मतलब सिर्फ उसी के बारे में हम सोचे जा रहे हैं, उसको कर नहीं रहे हैं बट सोच रहे हैं बहुत ज्यादा है उसको, मतलब सोच सोच के ही हमारे मतलब पैनिक हो रहे हैं हम, तो ये चीज गलत हो जाती है, तो स्ट्रेस अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो स्ट्रेस होना भी जरूरी है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हमको स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको हम आगे ना बढ़ाए, मतलब कि अगर हमें स्ट्रेस है तो हम किसी चीज से लेकर, हमें कोई भी स्ट्रेस है जब हम वो काम करने लग जाते हैं तो स्ट्रेस ज्यादा लेवल तक नहीं रहता, हम कंटिन्यूटी के साथ जितना वो काम करेंगे तो स्ट्रेस वहीं पर खत्म हो जाता है, एंग्जाइटी जो होती है 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहती, तो हमें उस चीज को, जो चीज हमें करनी है, जो हमने जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस है, एक बार उसको कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा, पहले स्टार्ट तो करो, तो स्टार्ट करने से वो जो है अपने आप आगे के रास्ते दिखने लग जाते हैं, तो स्ट्रेस हमें इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या है, हम सिर्फ वहां तक सोच रहे हैं कि भाई हमें ये काम मिला है वो कैसे होगा, वो हमें नहीं आता, लेकिन हमें आगे जाना चाहिए, उससे आगे हमें अपने आप रास्ते दिख जाएंगे, तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, अपने आप को रिलैक्स रखना, काम रखना, सोचना उसके प्रति कि ठीक इतना ही सोचना, ज्यादा नहीं कि बस मतलब हमें काम करना है तो करना ही है। जी मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर स्ट्रेस है वो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। यस, और जो है स्ट्रेस लो तो काम तो कर लो, आप अटेम्प्ट तो कर लो, वो स्ट्रेस मत लेना, देखेंगे बाद में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तो स्ट्रेस तो हम लोग वो जो प्रॉब्लम है फेस करना, डरना नहीं, एम आई राइट? दैट्स रियली वेरी यस नाइस, मैम, बहुत खूब आपने कहा मैम कि भाई वो टेंशन लेना कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो जो होगा होने दो, बट यू जस्ट गो इन टू इट, फेस योर स्ट्रेस, फेस द प्रॉब्लम, एंड देन यू रियली बिकम अ ग्रेटर पर्सन एंड हैव दैट कंसिस्टेंसी, यू नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वेरी नाइस मैम, बहुत खूब आपने बोला, थैंक यू वेरी मच। स्टे काम एंड स्टे पीसफुल, दैट्स व्हाट शी सेज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, एंड गो फॉर इट, डोंट सिट डाउन एंड वेट फॉर समबडी टू हेल्प यू, फेस योर फियर्स। मैम, आप बचपन में कैसी थी? आप तभी भी साइकोलॉजी फील्ड में यू नो इंटरेस्ट दिखा रही थी, या अभी अभी स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ ये जर्नी, और बचपन में आप किस तरह के बच्चे थे? नटखट थी, या शरारती थी, या काम, क्वाइट, शर्मीली थी, कौन थी आप व्हेन यू वर अ किड? मैं बहुत शर्मीली थी बचपन में, मतलब कि हमारे ये होता था कि कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ जाता था तो मैं साइड वाले रूम में चली जाती थी, बोलती भी नहीं थी ना, शर्माती थी, तो ये तो मतलब बाद में ही स्टार्ट हुआ है, स्कूल 12th क्लास में तब मैं थी, तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे को साइकोलॉजी के बारे में बताया था,
और उन्होंने बताया कि तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है, तो तू वहां जा सकती है, कम्युनिकेट करना तुझे अच्छा लगता है, और एक ये फील्ड है जो आगे बहुत मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे लोगों को मेंटल हेल्थ की, तो उन्होंने मुझे बताया था। तब भी से मैंने सोच लिया था कि मुझे हाँ साइकोलॉजी फील्ड में जाना है, तो मैंने BMA भी साइकोलॉजी ली थी और MA भी मैंने साइकोलॉजी से ही किया है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। सो थैंक्स टू योर प्रिंसिपल, है ना, दैट्स रियली नाइस। या वो छोटी उम्र में कि भाई हमारे मन इधर उधर, यू नो, मे बी मूवीज में या मे बी दूसरे दूसरे चीजों में हमारे मन और ध्यान चली जाती है, लेकिन आपका जो फोकस था साइकोलॉजी के फील्ड में आ गई थी तब से, दैट इज वेरी नाइस। एंड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ब्यूटिफुल मैम, एक्सीलेंट। डियर मैम, आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप ही तो है हमारे लिए इंस्पिरेशन, हो चुके हम आप कि भाई इतनी कम उम्र में इतनी अच्छा सोच, इतना इतना क्लैरिटी, जब आप बातें कर रहे हो हमारे साथ तो आपका क्लैरिटी जो है परफेक्ट है कि भाई ये है, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, वेरी गुड मैम, आई एम रियली इंस्पायर्ड। तो आप एक इंस्पिरेशन हमारे लिए बन चुके और हो एक इंस्पिरेशन, लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि आपका इंस्पिरेशन कौन था, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मेरी मम्मी है, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा काउंसलर कोई नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स जो है सबसे अच्छे काउंसलर होते हैं। मेरे को मैंने मेरी मम्मी को देखा है, मतलब कि जैसे वो मुझे गाइड करती है। बच्चे क्या होते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है साथ में मतलब उनकी बातें समझते हैं, पेरेंट्स डांट कर गलत रास्ते से ठीक रास्ते पे लेके जाते हैं, तो उनसे अच्छा काउंसलर तो कोई नहीं हो सकता। उनको बताते कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप ठीक हो। तो मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी है। वंडरफुल वंडरफुल। तो मम्मी को भी प्रणाम कह देना हमारी तरफ से, क्योंकि आप जैसे बेटी सभी के लिए एक आशीर्वाद रहे, यू नो, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू हैव अ डॉटर लाइक यू। यस डियर, दैट्स वेरी नाइस। डियर मैम, आप किताबें पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो कौन सी किताब है वो, उसका नाम बता सकते हैं कि भी हम भी पढ़ सकते हैं वो, हमारे लिए भी वो, यू नो, कुछ इट कुड बी हेल्प अस, एनी ऑफ द बुक्स दैट यू रीड। यस डियर, मैम किताबें मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड ही बुक्स पढ़ती हूँ, मतलब जितनी मैंने पढ़ी है अभी तक तो एग्जाम के वगैरह की ही थी। तो मैं कॉल जंग जो एक साइकोलॉजिस्ट है उनसे ज्यादा मतलब कि उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मैं मुझे। तो उनका एक थॉट्स है कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ना कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये करो वो करो ये क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं सीखते बच्चे। जो है माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं, जैसे पेरेंट्स व्यवहार कर रहे हैं वो उन्हीं को देखेंगे, ना कि पेरेंट्स उनको ये बोल रहे हैं कि होमवर्क कर लो, ये मत करो, ये गंदी चीज है, ये अच्छी चीज है, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, गालियां मत दो। लेकिन वो सीखेंगे जैसा आप वहां व्यवहार कर रहे हो, वो उनसे सीखते हैं। वो जो आप बोल रहे हो वो उनका उन पे उसका कोई असर नहीं है। वो आपने उनको बोल दिया आप वहीं पे काम हो, उन्होंने सुन लिया वहां से निकाल दिया, वो वहीं पे काम है। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन जैसा वो सुबह शाम आप लोगों को देख रहे हैं, जैसा आप एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, वैसे बच्चे सीखते हैं। तो मुझे ये उनका थॉट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, मेरा भी बेटा है 4 साल का, तो मुझे पता है कि कैसे मतलब बिहेव करना चाहिए। उनका थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को बोलते हो आप, उससे उनपे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आप बिहेव कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना कि अच्छी पेरेंटिंग करनी है तो आप अपने आप को अच्छा बनाओ, पहले माहौल को अच्छा बनाओ, वहाँ माहौल को सुधारो, अच्छे से बोलना सीखो कि गाली गलौज मत करो। क्योंकि काफी देखने को मिलता है कि जो केस आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं उनको लेके और बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि ये व्यवहार आपकी वजह से है, हमें इसकी नहीं आपकी आपको काउंसलिंग की जरूरत है, पहले आप काउंसलिंग लो, कहने से वो नहीं करेंगे। तो ये थॉट मुझे उनका बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। आपने बहुत सही बात कहा मैम, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके इमिटेट भी करते हैं, वेरी ट्रू। तो यहाँ आके पेरेंट्स के ऊपर जोर लगाना है कि भाई आप जो अपने घर का माहौल है उसको अच्छा ठीक तरीके से, यू नो, संभाल के रखिए, क्योंकि थोड़ा भी आपने डिस्टर्ब कर दिया, गाली गलौज यूज करे, यू नो, बैड बिहेवियर दिखाए, तो वो पूरा असर बच्चों पे गिरता, वो ऑब्जर्व करते हैं, या इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड्स, एंड मेनी ऑफ देम इमिटेट ऑल्सो देयर पेरेंट्स इन मेनी वेज। वेरी नाइस मैम, आप, यू नो, बारीकी से इस बात को आपने, यू नो, शेयर किया आज, दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू। ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, सभी माँ बाप जो है,
ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, यू नो, बी अ रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रन. डू नॉट यूज बैड लैंग्वेज, डू नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. योर चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड वेरी बैडली, स्पेशली वेन दे बिकम एडल्ट. सो आ ब्यूटिफुल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अ यंग लेडी, सच अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. इतना सारी अच्छी बातें आप बता रहे मैम आज, यू नो, बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच डियर. डियर मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. डियर, आप इस दुनिया में, आपको लोग क्यों याद करना और किस बात के लिए आपको याद करना, इस बात कैन यू शेयर दैट, क्यों याद करना और कैसे याद करना? यस, मैं बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट और भी ज्यादा अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे याद करें. मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ ताकि जैसे होता है ना कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेरा नाम याद आए, ऐसी चीजें मैं आगे करना चाहती हूँ, लक अगर साथ रहा तो. रहेगी मैम, क्योंकि आपके इरादे बहुत नेक है, आपके मन बहुत प्योर है, नो, दैट्स वेरी नाइस. स्वच्छ है आपका मन कि भाई कुछ सचमुच में करना है, तो आइडेंटिफाई कर दिया है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. प्रॉब्लम परिवार के अंदर ही है फर्स्ट. अगर आप परिवार के अंदर प्रॉब्लम ठीक कर दिए ना, तो सब लोग बहुत खुश होंगे. तो सभी माँ बाप के हाथ पर रहता, एंड ऑफकोर्स द सोसाइटी एंड द टीचर्स इज वेल. वेरी नाइस मैम, यू आर शेयरिंग एवरीथिंग दैट इज रियली प्योर एंड गुड. डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन, यू नो, योर थॉट कि मैं, दुनिया मुझे एक अच्छी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह याद करे मेरे काम के लिए. यस, दैट्स यस मैम. वंडरफुल, बहुत गुड मैम. डियर मैम, खुद में क्या अच्छी लगती है आपको? ये मेरा क्वालिटी है, ये मेरा गुण है, मुझे मालूम है कि ये गुण मुझ में है और मैं खुद को पसंद करती हूँ क्योंकि ये गुण मुझ में है. वो कौन सी गुण है मैम? मेरा पेशेंस लेवल हाई है, मुझे लगता है कि मैं पेशेंस काफी रखती हूँ, एकदम से जवाब नहीं देती हूँ, सुनती हूँ लोगों को, मुझे सुनना पसंद है, लिसनिंग करना पसंद है, उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है. तो पेशेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सुनना बहुत अच्छा, क्योंकि क्या करते हैं हम, हड़बड़ी में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कई बार रिलेशन में, तो हमें बाद में पछताना पड़ता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा शांत रहते तो क्या पता ये नहीं होता. तो पेशेंस रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पेशेंस होना चाहिए, सब में होना चाहिए. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस. सबर, एम आई राइट? इन यस हिंदी मैम, सबर बोलते हैं ना, सब्र, सबर सब्र या सबर? मैम. सबर, यस, वंडरफुल डियर, दैट्स नाइस. एक अच्छी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का गुण होता है, या यू नो, उनका मेन फोकस पेशेंसी. जितने पेशेंस से आप अपने क्लाइंट को सुनते हैं, उतना ज्यादा शेयर करते हैं वो, है ना? So you're a great यस counseling psychologist because you're concentrating on patience. And my dear friends, patience is the mother of all virtues. हर बात के लिए सोच समझ के जवाब देना, एकदम झट से जवाब नहीं देना, अच्छा सुन के समझ के फिर जवाब देना है. That's really nice, wonderful dear. Dear ma'am, आप कभी कभी छुट्टी लेते हैं? आप तो बिजी हो अपने फील्ड में, जहां पर आप काम कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा आप कर रहे हैं, आप कभी कभी छुट्टियां मिल जाती है, हाँ या ना? जी, संडे की मैं छुट्टी लेती हूँ मैम फिलहाल. तो अभी जी तो मतलब संडे की छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि घर पे बच्चा भी है और उसको संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हर चीज से अलग है वो, जी क्योंकि यही समय है, वो वापस नहीं आएगा. जी जी बच्चे की मैं सारे को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, और ये उसका समय होता है, संडे होता है. जी वेरी गुड, आप एक अच्छी माँ भी है, क्योंकि समझ रहे कि भाई मेरे बच्चे के साथ वक्त बिताना, ये तो सभी माएं ऐसे सोचना कि भाई हमारे बच्चों के साथ वक्त बिताना, कोई ये वो चीज दिलाकर उनको खुशियां लाना वो बड़ी बात नहीं है, उनके साथ वक्त बिताना, उनको समझना, वो एक बड़ी यू नो इम्पोर्टेंट थिंग है हर एक माँ बाप के जिंदगी में, स्पेशली द मदर. बी विद योर चाइल्ड, फादर ऑल्सो, दैट्स रियली नाइस. अगर आपको बहुत सारी छुट्टियां मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे आप, कौन से हॉलीडे डेस्टिनेशन पर? मुझे अपनी मम्मी का घर सबसे अच्छा लगता है. बहुत सारी ओह छुट्टियां लगे तो सबसे अच्छी जगह वही है, तो मैं वहीं बिताना चाहूंगी. ग्रेट, दैट्स रियली नाइस, बहुत गुड. डियर मैम, अगर आपको लॉटरी मिल गई एक, तो क्या करेंगे, उस पहले पैसों तो को मैं कैसे यूज करेंगे आप? लॉटरी वगैरह में विश्वास नहीं रखती हूँ, रख लीजिए लेकिन थोड़ी हाँ, देर के लिए, रख लीजिए, जस्ट अज्यूम कि भाई हाँ मिल गए तो मैं क्या करूंगी. कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती, यू नेवर नो. हाँ अगर मुझे लॉटरी मिल जाती है तो
मैं जो ये बच्चे होते हैं जो कि रोड वगैरह पे बैठे रहते हैं साइड में, मैं इनके लिए कुछ करना चाहूंगी कि ये वहां ना बैठे, उनको एक अदर प्लेस प्लेस देना, उनके लिए खाने वगैरह का इंतजाम करना। ये चीजें मैं उन्हें करना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा जो है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बच्चा ऐसे रोड पे घूमता है। तो ये चीज अगर मेरे हाथ में हो, मेरे पास पैसे हो, तो मैं जरूर करूंगी। वंडरफुल। तो हम वी विश यू दैट यू विश विन अ जैकपॉट, अच्छा बड़ा सा लॉटरी आपको मिल जाए और आपका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है फुलफिल हो जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है मैम। बच्चों को देख, दैट मीन्स आप क्या है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या मार्केट में या कहीं जा रहे, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई दुनिया कैसी है, एंड योर ऑब्जर्वेशन इज ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर, कि भाई यहाँ वहां भटक रहे हैं बच्चे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। इट्स नॉट राइट, दिस राइट प्लेस पे रहना है, अच्छा खाना कपड़ा और पढ़ाई भी रहना है, तो इन सब पर आपका ध्यान है और यू विश टू डू समथिंग फॉर दैट। वंडरफुल, यस डियर, वी विश दैट यू रियली डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन आउट देयर, एंड वी विश दैट यू विन अ बिग जैकपॉट, यस डियर, द अ बिग लॉटरी। डियर मैम, स्कूल और कॉलेज में आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था आपको? हाँ, स्टार्टिंग में था, स्कूल में था, कॉलेज में तो आते आते खत्म हो गया था। स्कूल में दौड़ वगैरह में थोड़ा था, लेकिन बाद में ज्यादा नहीं रहा, मतलब कॉलेज तक आते आते वो खत्म हो गया। जी मैम, आप ऐसे हम कुछ यू कुड टू शेयर दिस, कोई मूवी फिल्म जो है विच इज फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसा कोई मूवी आपने देखा या आज बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि भाई ये मूवी देखिए कि भाई आप इसमें से कुछ सीख सकते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में है टू शेयर? मेंटल हेल्थ पे तो बहुत सारी है, जैसे गजनी मूवी है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे है वो, और भूल भुलैया है जो कि स्टार्टिंग में आई थी, एग्रोफोबिया मूवी है, जिन जिन पे हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और ये कितना इफेक्ट करती है एक इंसान को, उसके अदर रिलेशन को भी, उसके आसपास के माहौल को भी। तो मेंटल हेल्थ पे वो बहुत सारी मूवीज है जो देखनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। जी, आपको क्या लगता है मैम, आजकल जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, शुड दे फोकस ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? ऐसे मूवीज बनाना है इस समाज के लिए, या रोमांटिक मूवीज, या फिक्शन मूवीज जो सच्चाई नहीं है उसमें, बस कल्पना है, हकीकत को दिखाना, तो इसके लिए जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ देम, दे शुड वर्क हार्ड एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ फिल्म्स। आप इस बात में डू यू एग्री विद दिस, एग्री जी जी होते? मैम, मेंटल हेल्थ पे तो मूवीज बनानी चाहिए जी और ये लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या हो गई है कि हमें ऐसी मूवीज देखनी नहीं है, जी हमें ये रोमांटिक वाली मूवी, लव अफेयर वाली मूवी ये ज्यादा पसंद आ रही है। तो जी जी जो यंगेस्टर है वो इन मूवीज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनका भी कोई वो फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि वो बना रहे हैं, लेकिन लोग उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। उनकी जो एक थिंकिंग है वो यही बनी हुई है कि हमें ये चीजें देखनी है, तो कोशिश तो सब कर रहे हैं, लेकिन यही है कि अभी संसार इतना, मतलब कि जो है वो अवेयर नहीं हो रहा है, तो अवेयर करने की कोशिश भी हम भी कर रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन है, वेबिनार्स कर रहे हैं हम भी, तो ग्रेट, उसके अनुसार भी हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस कि आपका जो फाउंडेशन है, जो पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन, इज वर्किंग टू क्रिएट अवेयरनेस, एंड ऑल द जी डायरेक्टर्स एंड फिल्म डायरेक्टर्स आउट देयर वर्क ऑन रियलिटी, हाउ द माइंड वर्क्स, व्हेन सिंपल पीपल लाइक मोनू मलिक, पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन कैन वर्क टू क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, वी वुड लाइक द एंटायर वर्ल्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग across the world. Yes, dear friends, we go back with the next question, ma'am. It's great that Personality Care Foundation और आप सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस रख रहे हैं, सभी को अवेयर करने के लिए कि भाई हाँ, मेंटल हेल्थ इज रियली द नीड ऑफ द आवर. यस डियर, डियर मैम, आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे इस दुनिया में? आप अकेले हो मोनू मलिक, तो मैं मोनू मलिक, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रपंच में, तो मुझे एक बदलाव लानी है, तो वो कौन सी बदलाव आप लाना चाहेंगे? बदलाव, जी मैम, बदलाव तो बहुत कुछ है लाने के लिए। अगर हम सोचे तो मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ बदलाव आए, कि जैसे मैम हम मंदिर वगैरह में पैसे चढ़ाते हैं वहां पे,
तो मैं, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं बदलाव लाना चाहूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि हम जो बाहर जो लाइन लगी होती है बच्चों की, हाँ, या फिर जो जिनको हम कलंक बोलते हैं ना कि ये भिखारी है, ऐसी लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, हम वो पैसे वहां उनको दे सकते हैं। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आप जहाँ, मतलब पत्थर की मूर्त पे तो हम इतना ध्यान दे रहे हैं कि भगवान होता है, इतनों में किसी की आस्था को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, नहीं कुछ है, लेकिन जो बाहर जो लोग हैं जो जीवित है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं ये बदलाव लाना चाहूंगी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि एक लड़की का रेप हो गया था करनाल साइड, आई थिंक मैंने वो न्यूज देखी थी। तो बाहर जैसे वो लड़की आ रही थी, तो वहां पे लोग उसको देख रहे थे बट दरवाजा बंद कर रहे थे, उसकी हेल्प किसी ने नहीं की, क्योंकि उसका आधे शरीर पे कपड़े थे आधे पे नहीं थे। तो मतलब जिसने उसको देखा वो उसको कपड़े दे सकता था, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, देख के दरवाजा बंद कर लिया। थोड़े दिन बाद नवरात्रि स्टार्ट हो गई, तो नवरात्रि में माँ की पूजा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर हम जो जीवित लोग हैं, हमारे सामने जो इंसिडेंट हो रहा है, हम उस पर फोकस करें। अब नवरात्रि में माँ को तो देख रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, मतलब कि दान भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां आप एक कपड़ा उसको दान दे देते तो वो ज्यादा अच्छा होता, इस चीज से उससे ज्यादा पुण्य लगता, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहता कि आप मेरे पास आओ, मुझ पे ये सब चढ़ाओ। भगवान ये चाहता है कि जो जीवित है, जो वहां पे जो जी रहे हैं, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो। तो अगर बदलाव लाना हो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। वेरी ग्रेट का, बहुत बहुत खूब, इतनी अच्छी बात कहा कही आपने, इट्स वेरी ट्रू। जैसे आपने इंसिडेंट शेयर कर रही है तो मैं सोच रही थी कि भाई यू नो इट वाज डीपली इम्पैक्टिंग माय माइंड एंड यू नो माय हार्ट। दिस इज द ट्रूथ कि भाई भगवान हर किसी में है, यू नो हर एक इंसान में है। तो भगवान कहीं मंदिर मस्जिदों में ही नहीं मिलते, हर इंसान के दिल में, यू नो मन में भगवान देखने, हर इंसान में, यू नो वी हैव टू फाइंड गॉड इन एवरीवन। वो जो इंसिडेंट आपने शेयर करा, इट इज वेरी सैड, वेरी सैड। माय डियर फ्रेंड्स, यू रियली हैव टू कम आउट एंड सी गॉड इन एवरीबॉडी। गॉड इज फाउंड एवरीवेयर, इन द चर्चेस, द टेम्पल्स, द मॉस्क्स, एंड ऑफ कोर्स इन एवरीबॉडी ऑफ अस। सो इफ यू फाइंड एनी बॉडी हु नीड्स योर हेल्प, एज मैम हैज जस्ट शेयर्ड, मोनू मैम हैज शेयर्ड अबाउट दैट इंसिडेंट ऑफ अ गर्ल इन करनाल, हेल्प पीपल इमीडिएटली, तुरंत आके मदद करना है ना। दरवाजा बंद नहीं करना किसी के मुंह के ऊपर, किसी को किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना है। पता नहीं उनके साथ आज हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है ना, यू नेवर नो। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, आपके इरादे बहुत नेक है, बहुत स्वच्छ है, इट्स वेरी नाइस। और आप पूरा शेयर कर रहे हैं, वो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमें जागरूक करना। एम आई यूजिंग द करेक्ट हिंदी वर्ड? यस, कि भाई बी अलर्ट, फाइंड गॉड इन एवरीबडी एंड प्रोटेक्ट योर डॉटर्स, एंड इवन इफ दे आर नॉट योर डॉटर्स, प्रोटेक्ट अदर डॉटर्स, अदर चिल्ड्रन, बी द बॉयज एंड गर्ल्स, नो मैटर हु। यस डियर, डियर मैम, आप ये स्ट्रीम में है, साइकोलॉजी स्ट्रीम में, अवेयरनेस आपको बहुत है, अवेयर हैं आप कि भाई ये सब हो रही है, मुझे बदलाव लानी है। क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे अपना जर्नी, या रिटायरमेंट लेना, एक टाइम रिटायरमेंट लेके मैं बैठ जाऊं अभी ऐसा, या आखिरी सांसें तक मुझे इसी फील्ड में काम करना है? शेयर कर पाएंगी मैम आप थोड़े से थॉट्स? नहीं मैम, रिटायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मैम, आखिरी सांसों तक इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे हमें कंटिन्यू करना है। रिटायरमेंट हम तब लेते हैं जब जो चीज हमें हमें प्रेशर दे रही हो कि हाँ भाई बस अब छुटकारा हो गया, अब ठीक है, लेकिन जो चीज अच्छी लग रही है, जो चीज कंटिन्यू करनी है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो वो चीज को हम आखिरी सांस तक करेंगे, तो रिटायरमेंट को नो चांस। यस डियर, एक अच्छी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की यही बात है कि मैं आखिरी सांस तक मैं काम करूंगी, सबका मदद करूंगी, सबका भला करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस डियर, आई लाइक इट। डियर मैम, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर बता सकते हैं आप अपने प्रोफेशन में? किसी कोई आए, आपका क्लाइंट्स जो आए, बच्चे या परिवार, फैमिली मेंबर्स आए, तो उनको अगर पूछे कि भाई काम कैसा करना है, काम नहीं हो पा रहा है, कर रहे तो रुक जा रहा काम हमारा, तो आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर उनको कैसे समझाते हैं? मैम, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, आज की जो मतलब दुनिया चल रही है उसमें हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि किसी ने बोला कि आपको ये कान पकड़ना है, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो सीधा, ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन वही हम उसको ऐसे हाथ को घुमा के ऐसे पकड़ने की कोशिश करें, वो हार्ड वर्क होगा।
तो जो काम जैसे दिख रहा है उसको डायरेक्टली वैसे ही, मतलब सीधा, मतलब शॉर्टकट तरीके से करे, वो स्मार्ट वर्क होता है कि ठीक है ये ऐसे दिख रहा है इसको ऐसे पकड़ लिया। लेकिन हार्ड वर्क क्या है, हम वही काम कर रहे हैं लेकिन हम उसको घुमा फिरा के ऐसे 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 करके यहाँ से पकड़ने की कोशिश करें तो वो हार्ड वर्क है। तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है और उसमें स्ट्रेस भी होगा आपको, एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा कि हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग। लेकिन स्मार्ट वर्क होता है कि हाँ भाई रास्ता निकाले ना, यहाँ से निकलना है, ऐसे में रास्ता निकल जाना। जैसे स्टडी में होता है मैम, काफी सारे बच्चे होते हैं जो 9-10 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, 9-10 ईयर निकाल देते हैं, एज भी निकल जाती है, तो वो क्या करते हैं कि हार्ड वर्क करते रहते हैं। लेकिन लक होता है कि ये नहीं कि उनके वर्क में कोई कोई वो रही दिक्कत रही होगी, नहीं उन्होंने अच्छा वर्क किया होगा, हार्ड वर्क किया है, लेकिन लक भी होता है कि साथ नहीं दिया, उन्होंने अपना सेकेंड जो स्टेप होता है कि वो नहीं किया। स्मार्ट वर्क होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ठीक है, लेकिन बैक आपके पास कुछ होना चाहिए कि नहीं हुआ तो बैक, हाँ भाई ये मेरा एक्सटेंड है, एक अलग डिग्री लेके रखनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो स्मार्ट वर्क यही होता है कि जिस चीज पे फोकस कर रहे हो आप करो, लेकिन बैक भी आपका जरूरी है कि अगर वो चीज नहीं हो रही है तो हम हाँ यहाँ ठीक, यहाँ मतलब कि रहेंगे, ये चीज हमारे हाथ में है, हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क ये होता है, जिससे जी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी आप दूर रहोगे। जी वेरी नाइस, थैंक यू मैम, बहुत खूब आपने बोला, शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। डियर मैम, हमने देखा है कि सीनियर सिटीजंस आजकल बहुत सारे अनाथ आश्रमों में या होम फॉर दी एज्ड में रह रहे हैं अभी। क्यों पूछिए आप? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जो भी पैसे था बच्चों के लिए खर्च कर लिए, फैमिली के लिए खर्च कर दिए, तो आज उनके पास एक पूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ऐसे लोग रोडों पे बैठते हैं या अनाथ आश्रम में है, होम में भी इन द सीनियर होम फॉर द एज्ड। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन क्या है मैम, जो यूथ लोग हैं, जो यूथ हैं जो कमाने लगे हैं अभी अभी, तो पहले वाला पेचेक उनके हाथ में आ गया, तो क्या उन लोग सेविंग्स करना है रिटायरमेंट के लिए? क्योंकि ये जो लोग हैं रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं करे तो इनका हालत ऐसे हो गया, तो उन लोग यहाँ पर है। यूथ जो है, द यंगर जनरेशन, क्या सेविंग्स करनी है? तो उनका इंटेलेक्ट, उनका माइंडसेट कैसा है कि मैं पूरा पैसे उड़ा दे, आज मिला एक दो एक हफ्ते के अंदर खत्म कर दे, या महीने भर के अंदर खत्म कर दे, फिर नेक्स्ट सैलरी के लिए वेट करना, क्या उसमें थोड़ा सा सेविंग्स भी करनी है? आपके नजरिए से, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम सेविंग तो बहुत जरूरी होती है, कि सेविंग तो करनी ही चाहिए। हाँ आज की दुनिया है, मतलब उनको लगता है यंगस्टर तब तक उड़ाते हैं तब तक उन्हें लगता है वो माँ बाप उनके पैसे कमा रहे हैं, तब तक उन्हें जरूरत नहीं है कि मम्मी पापा देने को तैयार है। लेकिन जब वो खुद कमा रहा है तब वो सेविंग करता है। राज आलमपुर सर हमारी पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन की ओनर है, वो बताते हैं कि सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मतलब कि 10,000 रुपए दिए गए तो सेविंग किया आप 5,000 रुपए अलग रख सकते हैं, वो आप एक अपनी सैलरी मान लो कि ये मेरी सैलरी है, वो अभी यूज नहीं आ रही है बट वो 5,000 रुपए आप रखते जाओ, स्टॉक करते जाओ, आगे वो सैलरी आपके काम आएगी। तो सेविंग तो बहुत जरूरी है, और सेविंग तो हर जगह काम आती है। जी, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। डियर मैम, आपका सफर में, आपका इस सफर में, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आपके साथ इस सफर में कोई आपके साथी हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके साथ भी चलते हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे आज? जी मैम क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड है और मेरी मम्मी तो है ही मेरी फर्स्ट काउंसलर, और हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है आगे पढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल रिलेशन में क्या होता है कि हस्बैंड जो है ज्यादा साथ नहीं देते कि आप लोग पढ़ो, लेकिन मेरे हस्बैंड उसके उल्टे हैं, वो बोलते हैं तेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब कि आगे बढ़ना है, साथ में ही आगे हमें कमाना, आगे जाना है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड जो भी है वो मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी है। हाउ स्वीट, वेरी नाइस डियर, दैट्स गुड। तो हमारे फैमिली बहुत स्ट्रांग है ना? दैट्स जी रियली नाइस। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा सा प्यारा सा स्माइल है आपका चेहरे पर, आप कैसे मेंटेन करते हैं? इतना सारा स्ट्रेस होगा क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, अपने परेशानियां लेके आते हैं आपके पास, फिर भी आपके स्माइल फेस पे, एक स्माइल है चेहरे पर, एक स्माइल है, वो कैसे रख पाते हैं आप? वो तो सीक्रेट क्या है बता दीजिए। सीक्रेट मैम, स्माइल रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए। ये है कि अगर हम सामने, अगर हमारे कोई क्लाइंट आया है तो अगर उसको हम ऐसा फेस बना लेंगे, सैडनेस फेस बना लेंगे, तो वो खुद ही उदास है, तो वो हमें उदास देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ये क्या मेरी काउंसलिंग करेगी, तो खुद ही उदास बैठी हुई है। तो
तो स्माइल रखनी बहुत जरूरी है, तो हमें स्माइल रखनी चाहिए, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ जो होती है, मेंटल प्रॉब्लम जिन पेशेंट को होती है, वो उदास रहते हैं क्योंकि उनकी कोई बातें नहीं सुनता है। आज की दुनिया बोलने में ज्यादा विश्वास रखती है कि मेरी सुनो मेरी सुनो। अगर घर परिवार के पास इतना टाइम हो, पेरेंट्स के पास इतना टाइम हो कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाले, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन नहीं, क्या होता है कि ड्यूटी रहती है, ड्यूटी से वो घर जाते हैं तो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि आप भी स्क्रॉल करो, तो बच्चा भी उसमें रहता है, तो ये चीजें ज्यादा होती रहती है, मतलब घूमती रहती है। फिर वो क्या होता है कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, वो बातें बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर वो होता है ना कि एक बहुत ज्यादा बड़ा कोई चीज ना बोलो तो एक इकट्ठी हो जाती है, वो फूटती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो यस हमें स्माइल रखनी पड़ती है मैम, कि सामने वाले पेशेंट को, क्लाइंट को ये महसूस ना हो कि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम यस उसको सुन रहे हैं। वेरी नाइस। पूरे इमोशन सप्रेस करके रखे, अगर चांस नहीं दिए बच्चों को बात करने, या किसी इंसान, कोई भी इंसान हो, चांस नहीं दिए सुनने का उनका जो बातें हैं, तो फिर इट विल एक्सप्लोड वन फाइन डे। नो दैट्स व्हाट यू सेड, वेरी नाइस, वंडरफुल डियर। डियर मैम, आपको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक, ऐसा कुछ वीकनेस है? देखते ही मुझे खाने का दिल बोल रही है, ऐसा कभी लगता है? या कुछ कचौड़ी या समोसा, उसको देखते ही कि भी मुझे खानी है, मुझे वीकनेस है, ऐसा कभी लगता है आपको? कुछ है ऐसा? नहीं, वीकनेस तो नहीं, बट कि ये कुछ चीजें फेवरेट हो जाती है कि हाँ भाई खानी है, तो ये नहीं कि हाँ रखी है तो खा लेते, ऐसी जी चीजें ऐसी नहीं कि खानी ही है। जी मुझे तो आइसक्रीम देखते कि मुझे खानी ही है, फिर मैं जिद करूंगी, फिर मैं जाके ला लूंगी, खाऊंगी भी, ऐसा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है? यू डोंट हैव? कुछ हाउ नहीं है नाइस, मैम। लकी लकी। मैं तो व्हेन आई गो शॉपिंग कि मैं, हाँ दिखा मैं शॉपिंग है तो हाँ जरूर एक आइसक्रीम तो खानी है मुझे, तो ऐसी वीकनेस है। यस डियर, तो अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट्स आते हैं कि भाई पेरेंट्स कंप्लेन करते, देखिए ये बच्चा हमारा है जो ऐसे वीकनेस है, तंग करता है, मोबाइल दिलाओ, या तो ये खिलाओ हमें, या बाहर का खाना मंगा के खिलाओ हमें, घर का खाना नहीं चाहिए, तो ऐसे वीकनेसेस के साथ क्लाइंट्स आपके पास आए, जब आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? जी मैम, पहले तो जो क्लाइंट्स आते हैं वो बच्चे के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर बच्चे के बारे में तो उसके पेरेंट्स ही बता सकते हैं, जब वो बताते हैं तब हम उनकी पहले पूरी बातें सुनते हैं, फिर हम उन पे असेसमेंट करते हैं, मतलब कि हमें जो लगता है कि हाँ इसको ये दिक्कत हो सकती है, तो टेस्ट होते हैं, हम टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट की जो स्कोरिंग आती है मैम उसके बिहाफ पे हम आगे थेरेपी यूज करते हैं, तो थेरेपी का जो प्रोसेस होता है उनके अकॉर्डिंग बच्चे को धीरे धीरे ठीक किया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग जो है मैडम ये होता है ना कि स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये जो है बिल्कुल धीरे धीरे काम करता है, ये नहीं कि एकदम सडनली जैसे दवाई ले ली तो आप एकदम ठीक हो गए, सिर दर्द हुआ है तो दवाई ले ली एकदम ठीक हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। काउंसलिंग के एक दो सेशन में तो हमें यही लगता है कि हम बच्चे से मतलब बॉन्डिंग कैसे बनाए, रैपो बिल्ड कैसे करें, उसको कैसे एहसास दिलाए कि हम उसके साथ हैं, हम उन्हें बताना पड़ता है कि काउंसलिंग में क्या है कि आप जब अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाने आ रहे हो या अपनी काउंसलिंग करवाने आ रहे हो, तो हम आपकी बातें अपने पास ही रखते हैं, हम किसी और को आपकी बातें नहीं बताते, ये सेफ रहती है, क्योंकि क्लाइंट को या पेशेंट को यही रहता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो किसी और को बता देगा, फिर वो किसी और को बता देगा, तो ऐसे बातें हर जगह फैल जाएंगी और उसकी जो इंसल्ट हो जाएगी तो उसको मेंटल प्रेशर और ज्यादा पड़ता है, तो पहले हमें रैपो बिल्ड करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि जो आपकी बात है, जो आप हमें बता रहे हो वो यही सेफ है, यहाँ से अलग कहीं नहीं जाएगी, तब क्लाइंट हमें अपनी बातें बता पाता है, रियल बता पाता है, बच्चे के साथ हमें मतलब बातें करनी पड़ती है, बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करने में ही 4 से 5 सेशन लग जाते हैं, उसके जी बाद धीरे धीरे असेसमेंट होके थेरेपी यूज होती है मैम। जी रैपो बिल्डिंग, राइट, दैट्स वेरी नाइस। और कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने जो कहा कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके बातें यहीं पर रहेगी, कहीं बाहर नहीं फैलाए, यू नो इट विल नॉट बी स्प्रेड, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो एक अच्छी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का गुण है, वो एक पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन जो है, कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। सो यू कुड रीच आउट टू पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन, यू कुड रीच आउट टू मोनू मलिक मैम, शी इज ऑल देयर टू मेंटेन ग्रेट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल रैपो फॉर यू टू शेयर ऑल द थिंग्स दैट आर ट्रबलिंग यू एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दे आर डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट फॉर्मुलाज विच दे फॉलो, एंड इन अ साइंटिफिक वे दे विल हेल्प यू टू फेस योर फियर्स एंड टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ। यस डियर, डियर मैम, आप अभी हमारे लिए छोटा सा मुहावरा शेयर कर सकेंगे कि भाई आपको प्रभावित बार बार करती है वो, इस मुहावरा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता, तो ऐसे कोई मुहावरा है मैम? प्रभावित तो मैडम मेरे को कार्ल जंग का जो थोड़ा वही लगता है, मुहावरा तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कि जो बोले
हरियाणवी में जैसे बोलते हैं कि थोथा चेणा वाजे गणा, जिसको कम ज्यादा आता है ना वो ज्यादा बोलता है, तो ये वाली कहावत भी है। और एक आगे पीछे नीम तड़े, कि भाई घुमा फिरा के की बात पे आ जाते हो, ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं। आपको मोटिवेट सबसे तो नहीं, कौन सा मोटिवेट पसंद है बहुत मैम? खेती, मुझे आपको सबसे सबसे कौन सा ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि खास सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है सब नॉर्मल है। हाँ हर एक प्रोवर्ब में से, हर एक कोटेशन में से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, राइट? जी जी यस, मैम, हर दैट्स एक रियली वर्ड का मीनिंग निकलता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग ना निकलता हो। जी जी मैम, आप इतना सब कुछ हासिल कर चुके हैं इस छोटे उम्र में। आपसे बातें करके मुझे भी अच्छा लग रहा कि भाई आप जो शेयर कर रहे हैं, बारीकी से शेयर कर, कि है उसमें दम है आपके बातों में, सच्चाई है आपके बातों में, और यही बातें करना है एक इंटरव्यू में। यस डियर, सो यू आर गिविंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज रियली वेरी ग्रेट। तो मुझे ये पूछना है कि भाई इतना सब आप कुछ कर रहे हैं फील्ड में, तो आज तक अपनी लाइफ में कि हाँ ये मेरा प्राउडेस्ट अचीवमेंट है, मैंने ये सब हासिल करा, ये तो सभी ठीक है, लेकिन ये अचीव करा मैंने, ये काम मैंने किया साइकोलॉजी फील्ड में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कौन सी बात है मैम? जी मैम, ऐसे तो अचीवमेंट धीरे धीरे बहुत सारे होते हैं। जब हमें कोई भी मतलब ये होता है ना कि ये बोलता है कि हाँ ये तूने अच्छा काम किया, बच्चे के लिए भी किसी के लिए बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, एक अंदर से जो होती है ना कि बहुत ज्यादा खुशी आ रही है, ऐसी चीजें होती हैं। मुझे यहाँ अगर कोई मेरी तारीफ कर दे तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। जैसे कि क्लाइंट अगर ठीक हो रहा है तो सबसे ज्यादा अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए वही होता है कि क्लाइंट हमसे खुश है और वो ठीक हो रहा है। और मैम वेबिनार्स वगैरह करते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि आज मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक अपना वेबिनार किया, तो मुझे ये अपनी अचीवमेंट ही लग रही है। That's really nice. Very nice. Very nice. Dear ma'am, अगर ऊपर वाले ने एक आपको एक महाशक्ति दे दी कि भाई आप ले लो मोनू मलिक, एक महाशक्ति वी आर गिविंग यू अ गिफ्ट, यस, तो आप कौन सा महाशक्ति, लाइक सुपर पावर चुनना चाहेंगे? महाशक्ति यस, लाइक यू नो इट्स कॉल्ड अ सुपर पावर, कि भाई जी, इट कुड बी एनीथिंग, बट आप व्हाट दे से यू नो अ बून, ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो ऊपर वाले हैं आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप कौन सा गिफ्ट लेना चाह रहेंगे भगवान से? मैं मतलब कौन सा गिफ्ट लेना चाहूंगी। यस, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता या है होगा होगा, आप यू शुड जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव। यस डियर, अगर ऐसा कुछ होता है तो कि दुनिया मेंटल हेल्थ के प्रति ज्यादा अवेयर हो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं यही चाहूंगी। यस, वंडरफुल, मुझे वो शक्ति दो भगवान कि मैं इस दुनिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करूं, हर एक के मन में वो जागृति मैं लाऊं कि भाई सब लोग अवेयर हो जाए कि भाई मानसिक बीमारियों से बचे, एम आई राइट? दैट्स वेरी हाँ मैम, नाइस, क्योंकि यस, क्योंकि बुखार होता है तो एकदम दिमाग में ट्रिगर आता है कि मेरे बच्चे को बुखार है या मुझे बुखार है, सडनली डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन ऐसे दूसरे दिन कोई उदास रह रहा है, मतलब 10-12 दिन हो गए उदास से बातें नहीं कर रहा है, पहले खाना बहुत ज्यादा खा रहा था, अभी खाना भी छोड़ दिया है, अकेले रूम में अपने आप को बंद कर लिया है, ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो पेरेंट्स ये बोलते क्या हो रहा है, तू तो नौटंकी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उठ जा, ये क्या होता है, थोड़ा देर मतलब घूम ले बाहर ठंडी हवा में, घूम ले, घूम के आया कर, तो ऐसे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर बुखार हो रहा है तब आप ये नहीं बोलते कि जरा बाहर हवा में घूम ले तो ठीक हो जाएगा, उसके लिए भी दवाइयां जरूरत होती है। तो मेंटल हेल्थ में भी जरूरत है, अगर आप उदास हो बहुत ज्यादा दिन हो गए, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लास्ट जो इसकी स्टेज है ना बहुत खतरनाक होती है। कोई भी इंसान होता है जो मेंटल हेल्थ से परेशान है, जिसको प्रॉब्लम्स है, तो लास्ट उनका क्या होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर मेंटल हेल्थ की उदास रह रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है, तो एकदम से ट्रिगर आए कि हाँ काउंसलर के पास जाना है, हाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, हाँ साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, ये स्टिग्मा ना माना जाए मेंटल हेल्थ को। कि भाई अगर यहाँ क्या है मैम, कि अगर कोई आपको साइकोलॉजिस्ट के कैबिन से निकलता, क्लिनिक से निकलता हुआ अभी दिखाई दे जाए किसी रिलेटिव को, तो वो ये मान लेता कि हाँ वो तो पागल है, पागलों के डॉक्टर के पास गया था, उसके साथ मत रहा करो, उससे बात मत किया करो, उसको कुछ नहीं पता है, वो पागल है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे से थॉट करके उसको अलग कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही कि हाँ वो है नहीं लेकिन उसको बना देंगे, बना ऐसी देते हैं। चीज। जी यस मैम, तो मैं चाहूंगी कि एकदम से अगर कोई उदास है तो मेंटल हेल्थ के प्रति इतनी अवेयर हो कि बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ भाई इसको ये उदास है तो इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, एक चांस तो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेज सुसाइड होती है, उससे जी पहले हमें एक मौका जरूर मिलना चाहिए कि क्या पता हम कुछ चेंज कर सके। जी जी जी
वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट. अब जो बुखार का एग्जाम्पल ने आपने दिया, और जो बच्चा ऐसे खामोश बैठा है, खाना नहीं खा रहा, किसी से बातें नहीं कर रहा, उसको नौटंकी नहीं बोलना, वो कुछ अंदर से सफर हो रही है. बच्चा या इंसान, बड़ा हो या छोटा है, एनी बडी, इट कुड बी द चाइल्ड और एन एडल्ट. तो दैट्स रियली वेरी ट्रू. तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास लेके उनका मदद कर रहा है, गेट देम ट्रीटेड, गो गेट टेक देम फॉर थेरेपीज. दैट्स वेरी नाइस. आई मैडम, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि भाई ये स्कूल लेवल में स्टार्ट होना है. पेरेंट्स को बुलाना है, बच्चों का पेरेंट्स जो स्कूल में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुला के आप लोग अवेयरनेस सेशन ले लिए ना, इफ यू टेक, तो देन ओनली पेरेंट्स, नॉट द चिल्ड्रन, बच्चों को ना बिठाए, ओनली पेरेंट्स को बिठा के अगर ये सेशन समझाए ना, आप जो अभी समझाए ना हमको, तो ऐसे सेशंस आप लिए ना, तो इट विल गो वेरी वेल. वो पेरेंट्स के दिमाग के अंदर इट शुड गो फ्रॉम सर से लेकर पैर तक, वो जाना है कि भाई मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, मेरा बच्चा क्यों ऐसे गुमसुम बैठा है, तो कोई अंदर से कोई वजह उसको सता रही है, तो लाइक दैट. तो देन दैट इज मेंटल, क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. वंडरफुल मैम, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें हमको शेयर करे है ना टुडे. इट इज रियली वेरी नाइस. हमारी हिंदी समझ में आ रही है ना, इधर उधर थोड़ा सा हो जा रही है, इज इट ओके? ओके डियर, यस मैम. डियर मैम, रेड फ्लैग्स ये सभी सभी के लिए कि भाई देखिए ये चीज गलत है, इससे बच के रहना, ऐसा हो रही है आपकी जिंदगी में. हम तो हमने देखा कि भाई ऐसे थोड़े बहने हैं, भाई लोग हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो नहीं समझ पाते कि भाई हम लोग ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो तो बर्दाश्त करते जाते हैं. या वर्बल अब्यूज हो सकती है, गाली गलौज या मारपीट या फाइनेंशियल अब्यूज, कुछ भी हो सकता है. उन लोगों को मालूम भी नहीं कि भाई वो उस तकलीफ में है, ये यही जिंदगी है, समझ लेते हैं. कि भाई ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है उन लोगों को कि भाई उसी में रहे या उससे बाहर निकल के आके आपसे मिले, हेल्प ले लें. डरते हैं भी आने के लिए कि भाई आ जाए तो क्या होगा मेरा कल, ऐसा कुछ. आप, जी जी यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग? क्यों नहीं मैम, बोलना है. मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सेशन देती हूँ. आप पर्सनैलिटी केयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे आप मेरे नाम से, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, वहाँ आप मेरे नाम से सेशन बुक करवा सकते हो. और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं उसमें आप हमें जो भी बताओगे, जो भी अपनी शेयर करोगे बातें, वो मेरे मेरे आप फिर को बता रहे हो तो यहाँ से वो बाहर नहीं जाएंगी. बिल्कुल मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी ये बातें. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप बातें, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है मैडम कि अगर हम अपनी बातें बता रहे हैं तो घूम फिर के वो उसके घर वालों तक ना पहुंच जाए, तो ये डर रहता है. तो ये डर बिल्कुल भी नहीं है आपका. अच्छे से मतलब इलाज किया जाएगा, थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, स्टेप वाइज किया जाएगा, और आपकी बातें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मतलब कि बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी आपकी ये बातें. तो ये चीज बहुत जरूरी है. और सहना हर एक चीज का इलाज नहीं है. आप अभी सह रहे हो, कितने दिन सह लोगे? ज्यादा सहोगे तो लास्ट स्टेज जो है सुसाइड होती है. मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ये नहीं है कि नहीं करती है. आप कितना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मतलब कि साल, 2 साल, लास्ट में आप ये सोच लो कि बस अब बहुत हो गया है, कि मैं अब सुसाइड कर लेता हूँ. लेकिन हमारे पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के जो ओनर है राज आलमपुर सर, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो उनको बोलते हैं कि जैसे कि वो सुसाइड वाला आ गया, कोई बच्ची है जो सुसाइड करना चाहती है, पेरेंट्स उसको उतार के लेके आए हैं अभी अभी, वो बोल रहे हैं कि हमारी बात नहीं मान रही है. तो सर ने उनसे एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुसाइड करना आपके हाथ में है, आप जब चाहो सुसाइड कर सकते हो, अभी कर लो, बाद में कर लो, चाहे तो हमारे आगे कर लो, लेकिन एक बार मेरी बात मान के देख लो. सुसाइड करना आपके हाथ में है, मेरी बात मान के 10 दिन तो रुक सकते हो आप, 10 दिन तो, 3 दिन रुक जाओ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको एक बार सोच के देख लो. पेशेंस रखो, सुसाइड करने से पहले पेशेंस रखो, और जो आप सह रहे हो उसको सहना नहीं चाहिए. अगर आपके मन में कोई चीजें आती है तो आप तुरंत बोल दो, क्योंकि उससे रिलैक्स होता है. पहले क्या होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो हमारे काउंसलर के रूप में ही काम करते थे. वो अगर किसी के यहाँ मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर कोई रोता नहीं तो वो बोलते थे इसको रोने दो, कोई रोता तो उसको चुप नहीं करवाते थे, इसको रोने दो क्योंकि वो रो लेगा, क्योंकि रोना कोई बुरी बात नहीं है. रो लेगा तो अंदर के जो इमोशंस है ना उनसे वो फ्री हो जाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा. तो ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि आपकी जो बातें हैं वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, सबसे बड़ी बात यही. और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ. तो मैं तो श्योर हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन आप एक चांस तो ले सकते हो.
सुसाइड करना लास्ट स्टेज होता है, सुसाइड आपके हाथ में है, लेकिन एक चांस आप मेरे को भी दे के देख सकते हो। जी, वेरी नाइस। यस डियर फ्रेंड्स, यू कुड रीच आउट टू मोनू मलिक, पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन। शी इज देयर टू हेल्प यू टेक, डोंट सफर इन साइलेंस, यू नो, डोंट बी अ साइलेंट सफरर, कम आउट, फाइंड द वे आउट टू यू नो ओवरकम योर सफरिंग्स। वहीं बैठकर रोते हुए बैठ के या अपना जिंदगी को यू नो खत्म करने की बात मत सोचिए। आप बाहर आए, मदद ले लीजिए, लोगों से बात कीजिए, आप मोनू मैडम से भी बात कर सकते हैं, और अपने आप को बचाइए और इस प्यारी सी जिंदगी को पूरी तरह से झीले। एम आई राइट? दैट्स रियली नाइस डियर मैम। आई'ड लाइक टू कम बैक टू वन मोर क्वेश्चन। आगे आने वाले 50 सालों में आपके नजरिए से कोई बदलाव होगा? कहाँ, कौन सी फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इस समाज में जो स्टिग्मा है कि भाई वो मेंटल डॉक्टर के पास गए तो उनके साथ मत बैठो, उठक बैठक मत करो उनके साथ, या कट ऑफ कर दो उनके साथ, क्या आगे आने वाले 50 सालों में ये सब बहुत कम हो जाएगी या अभी कुछ? कैन यू शेयर समथिंग ऑन दैट? आपके नजर में जी कैसा आगे, हाउ इट विल बी? बदलाव हो सकता बदलाव ना, तो किस तरह के बदलाव होंगे? तो हो सकता है, किसी भी चीज को बदला जा सकता है सिर्फ एक कोशिश से। तो कोशिश हम भी कर रहे हैं, हमें देख के कोई और भी करेगा, और हम तो अपना मंच दे रहे हैं कि कोई भी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है तो वो यहाँ पे आ सकता है और अपनी बात रख सकता है। चैनल दे रखा, हमारे यूट्यूब चैनल भी है पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन का, और मेरा खुद का भी है, मन के डॉक्टर का। तो बदलाव तो जरूर होगा क्योंकि हमारे हाथ में कोशिश है। और मेंटल हेल्थ जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं घर वालों ने भेज देते हैं तो सुसाइड कर ली। अगर पेरेंट्स से हम जाके पूछे कि क्या रीजन था इस चीज का जो इन्होंने सुसाइड कर ली, तो पेरेंट्स के पास कोई रीजन नहीं होता। पहले वो बोलते हैं कि ये उदास था, 10 दिन से उदास था। तो पेरेंट्स का इतना भी वो नहीं है कि वो पूछे कि वो उदास था। अगर पेरेंट्स को पता है, मान लो कि लव अफेयर वगैरह का ज्यादा चक्कर रहता है, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, इसमें क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों की मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते उनकी बातें पेरेंट्स को कि ये चीज गलत है, या फिर बच्चे जो बता रहे, क्योंकि हर बार बच्चे गलत नहीं हो सकते, पेरेंट्स भी गलत होते हैं। तो बच्चे समझा रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या ठीक है क्या गलत है। तो क्या करते हैं कि पेरेंट्स उनको मारते हैं, पीटते हैं, वो भाग जाने जैसे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, जो आगे जाके एक मतलब उनकी जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खराब तो रिलेशन तो हो गए ना, खराब उनके पेरेंट्स के, मदर के, उनके साथ सबके रिलेशन मिक्सअप ऐसे खराब हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा इस सिचुएशन में है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको लग रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। या फिर बच्चे जो हैं जो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेप सुसाइड नहीं होता, प्लीज सुसाइड मत करो, क्योंकि बच्चे जो क्या सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, वो डिवाइड हो चुकी है। अगर आपकी जिंदगी आपकी है तो आप सुसाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी मदर की है, आपकी बहन की है, आपके पापा की है, आपके और रिलेटिव, मामा, काका, था, उस सबकी बटी हुई है। तो ये चेंज आना चाहिए, क्योंकि सुसाइड बहुत ज्यादा हो रही है, और मेंटल हेल्थ को लेके लोग काम कर रहे हैं, अभी अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हुए नहीं है लेकिन अभी हो रहे हैं, तो आगे जाके ये जरूर होगा। जो मैं बोली थी कि बुखार आने पे ट्रिगर होता है डॉक्टर, तो उदास रहने पे ट्रिगर जरूर होगा कि साइकोलॉजिस्ट। ठीक, वेरी नाइस मैम। मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई हमेशा बच्चे गलत नहीं होते, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, और है वो, देर आर मेनी केसेस कि भाई उन लोग है भी गलत, गलत रास्ते पे है, गलत परवरिश कर रहे हैं, वो जो असर बच्चों पे हो रहा है, तो बच्चों का गलती हमेशा नहीं होता। यस डियर, डियर मैम, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप और हमारे मंच पर आकर और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप और क्या क्या करते हैं, दैट इज रियली वेरी नाइस। वी थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस टूडे ऑन दिस चैनल। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी एंड द इंटरव्यू मैम? कोई मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? जी, मैम, मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहो हमेशा, मतलब कि उदास मत रहो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऑप्शन है आपके पास साइकोलॉज, साइकेट्रिस्ट, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो बताओ, और पेशेंस लेवल अपना हाई रखो। इतना भी नहीं कि आपको कोई चाटा मार के जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, अंदर अंदर घुट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप बोल दो उसी समय, लेकिन बोलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पेशेंस इसलिए जरूरी है कि छोटी सी बात को भी आप मतलब इतना मत सहन करते रहो कि बस अंदर जो है ना भर जाता है, और फिर वो एकदम टेंशन बहुत महसूस नहीं ज्यादा करनी। खतरनाक होता है। तो मैं यही चाहूंगी मैम। जी, थैंक यू मैम सो मच। यू गिवन अ ब्यूटीफुल सेशन, यू गिवन अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे भी देखेंगे कि आप इंटरनेशनल फैब टॉक्स पे आइए फिर दोबारा और शेयर कीजिए, और हमारे सभी समाज वाले सब समाज में सभी को आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो काम है, सभी पर यू नो असर होना है. दे शुड रीच आउट एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड अ मेंटली यू नो अवेयर यू नो इंटेलेक्ट यू शुड हैव, दैट पीपल शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ यू शुड प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द थॉट्स इन योर माइंड. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. अगर मेरी हिंदी में थोड़ा इधर उधर इफ इट इज लाइक अप एंड डाउन माफ कीजिए, एंड द दर्शक ऑल्सो ओवर देयर माफ कीजिए अगर हमारा हिंदी थोड़ा सही नहीं था, क्षमा कीजिए. यस मैम, थैंक यू वेरी मच डियर. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच माई डियर फ्रेंड्स. विद दिस वीड लाइक टू एंड द इंटरनेशनल फैब टॉक्स फॉर नाउ. इट वॉज अ वंडरफुल सेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग दिस पर्सनैलिटी मिस मोनू मलिक, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अ सोशल एक्टिविस्ट, a coach, a trainer, and of course, a lovely human being to come back once again on the International Fab Talks. See you again. Stay safe. Namaste, ma'am. Dhanyavaad.